हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा गौतम। मैं हूँ अरुणा। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही झटपट से बनने वाला आलू चीज़ सैंडविच, जो कि बनाने में बहुत इजी है और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स के रूप में आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो बॉइल्ड आलू लिए हैं मैंने, जिनको मैंने कद्दूकस करा है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी मीडियम प्याज, जिसको कि मैंने बारीक चॉप किया है चॉपर में, और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है, तो आधा कप के करीब मोज़रेला चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ। तो बहुत ही सॉफ्ट ये हमारा आलू चीज़ सैंडविच बनके रेडी होगा। नमक हम डाल लेंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, वो मिर्ची नहीं खाता है। और इसमें इटालियन सीजनिंग थोड़ा सा डाल रही हूँ, तो अगर ग्रीन चिली खाते हैं आपके बच्चे तो आप डाल सकते हैं। तो इसको मैं ज़्यादा मिर्ची वाला नहीं बना रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाला से। और मिक्स कर लेंगे सबको अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मैंने 4 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के लिए हैं। आप वाइट ब्रेड या कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। हम ऑलमोस्ट घर में ब्राउन ब्रेड खाते हैं, जब भी कभी खाते हैं तो साइड्स में इसके कट कर लूँगी। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल चीज़ स्प्रेड, तो मैं इस सैंडविच को और ज़्यादा चीज़ी बनाने वाली हूँ। अमूल चीज़ स्प्रेड का टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। आप चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें ज़्यादा चीज़ी बनाने के लिए। तो इस तरह से ब्रेड पर स्प्रेड कर दूंगी मैं, या आप मेयोनीज का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें। और जो ये फिलिंग है, अब वो हम इसके ऊपर डालेंगे। और इस तरह से कवर कर देंगे। एक्सेस मैं निकाल रही हूँ, तो दूसरी स्लाइसेस को भी इसी तरह से चीज़ स्प्रेड लगा के हम फिलिंग लगा देंगे इसमें। और तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर मैंने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे, एकदम सुनहरा होने तक, या जब तक अंदर का चीज़ मेल्ट ना हो जाए। आप चाहो तो इसको सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, बट तवे पे भी ये बहुत अच्छा और इजीली बन जाता है। तो दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है हमने इसको। ये देखिए चीज़ बाहर निकल रहा है। और अब हम इसको कट कर लेंगे बीच में से। तो बहुत ही टेस्टी बना है ये हमारा आलू चीज़ सैंडविच, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो गाइज़, मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।